हेलो डियर चिल्ड्रीन आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर नंबर फोर द हेल्पफुल फ्रेंड्स फ्रॉम आवर इंग्लिश रीडर बुक सो चैप्टर फोर द हेल्पफुल फ्रेंड्स मीन्स फ्रेंड्स मीन्स अपने दोस्त मित्र और हेल्पफुल मतलब जो हमारी मदद करते हैं न्यू वर्ड्स स्टोम एस टी ओ आर एम स्टोम मीन्स आंधी तूफान आंधी आना शेकिंग मीन्स हिलता हुआ ब्राइटली मीन्स चमकता हुआ अफ्रेड मीन्स डरा हुआ जो डर जाता है ब्लो ब्लो मीन्स जोर से हवा चलना या फिर फूक मारना ज़ोर से ब्लो करना हवा हवा चलना एंड ट्विक्स मतलब जो टहनी के छोटे छोटे पतले पतली लकड़ियाँ होती हैं देट इज़ कॉल्ड ट्विक्स सो लेट्स बिगिन द चैप्टर देर इज अ स्टोम इन द जंगल एक दिन जंगल में आंधी आ जाती है स्टोम मीन्स बहुत जोर जोर से तेज से हवा चलने लगती है एंड द विंड इज ब्लोइंग फास्ट और जो विंड है वो हवा बहुत फास्ट ब्लो होने लगती है बहुत तेज हवा चलने लगती है आंधी आती है तो हवा बहुत तेज चलती है इट इज़ रेनिंग हैविली और जोरों से बारिश होने लगती है द बर्ड्स एंड एनिमल्स आर इनसाइड दियर होम्स सारे बर्ड्स और एनिमल्स जंगल में जो थे वो सब अपने अपने घर के अंदर चले गए चिरपी द स्पैरो इज़ इन हर नेस्ट चिरपी नाम की एक स्पैरो थी जंगल में वो भी अपने नेस्ट में चली जाती है शी इज़ अफ्रेड ऑफ द विंड उसे हवा से डर लग रहा था हर मैंगो ट्री इज़ शेकिंग उसका जो ने था वो मैंगो ट्री के ऊपर था और इतनी ज़ोर से हवा चल रही थी कि उस जो मैंगो ट्री था वो शेक कर रहा था मतलब हिल रहा था आफ्टर समाइम थोड़ी देर के बाद चिरपीज़ नेस्ट फॉल डाउन फ्रॉम द मैंगो ट्री और थोड़ी देर के बाद क्या होता है चिरपी का जो नेस्ट मैंगो ट्री के ऊपर होता है ना वो नीचे गिर, गिर जाता है क्यों नीचे गिर जाता है बिकॉज मैंगो ट्री वॉज शेकिंग ट्री हिल रहा था और वो क्यों हिल रहा था ट्री वहाँ पर बहुत जोरों से हवा चल रही थी दैट इज़ वाइड द विंड वॉज ब्लोइंग वेरी फास्ट है ना इसलिए मैंगो ट्री शेक कर रहा था और उसका नेस्ट नीचे गिर जाता है चिरपी का नेस्ट पुअर चिरपी बेचारी चिरपी शी इज़ वेट एंड हैप्पी अनहैप्पी वो नीचे गिर जब नेस्ट नीचे आ जाता है तो फिर चिरपी जो है वो पूरी वेट हो जाती है डब्ल्यू ई टी वेट मतलब गीली हो जाती है बिकॉज बारिश भी हो रही थी वहाँ पर इट वॉज़ रेनिंग दैर तो रेन में वो वेट हो जाती है एंड शी वॉज़ वेरी अनहैप्पी अनहैप्पी मतलब वह बहुत दुखी हो जाती है शी गोज़ टू हर फ्रेंड फिर वो अपने फ्रेंड के पास जाती है उसके फ्रेंड का नाम था टुक टुक द जीराफ जीराफ उसका फ्रेंड था और उसका नाम था टुक 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 टुक, टुक बलोज एयर ऑन चिड़पी टुक टुक क्या करता है चिपी के ऊपर फुक मारता है ब्लो एयर मतलब उसको फुक मारता है एंड्राइज हर फैदर और उसके फैदर्स ये जो उसके पंख गीले हो गए थे बारिश से उनको सुखा देता है ड्राई करना मतलब सुखा देना ड्राई का ऑपोजिट होता है वेट वेट मतलब गीला और ड्राई मतलब सुखाना टुक टुक गिव्स हर सम नट्स ईट और उसका जो फ्रेंड था टुक टुक जिराफ था वो चिरपी को कुछ खाने के लिए भी नट्स मतलब कुछ सीड्स देता है डोंट फरी माई फ्रेंड सेज टुक 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 बोलता है मेरे मित्र मेरे फ्रेंड डोंट वरी चिंता मत करो चुप वी विल डू समथिंग हम जरूर कुछ करेंगे ऐसा टुक टुक चिरपी को बोलता है कि तुम चिंता मत करो डोंट वरी हम लोग कुछ करेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग द स्टोम इज ओवर और दूसरे दिन सुबह तक आंधी खत्म हो गई थी स्टोम फिनिश हो गया था द सन शाइन्स ब्राइटली और आकाश में वापस सन शाइन करने लगा था टुक टुक एंड चिरपी गो टू द मैंगो ट्री टुक टुक और चिरपी दोनों मैंगो ट्री के पास जाते हैं लुक टुक टुक चिरपी सेज़, चिरपी बोलती है देखो टुक टुक लुक एट दिस ट्विक्स एंड फैदर्स ये ट्विक्स और फैदर्स को देखो ये देखो ये जो छोटी छोटी लकड़ियाँ हैं दिस इज ट्विक्स और ये जो है पंख उसको फैदर्स बोलते हैं तो चिरपी टुक टुक को बोलती है कि देखो टुक टुक लुक एट दिस ट्विक्स एंड फैदर्स आई हैव नो होम नाव अब ये पहले नेस्ट बना हुआ था फिर नीचे गिरा तो वो सारा बिखर गया तो चिरपी बोलती है, अब मेरे पास कोई घर नहीं है आई हैव नो होम नाव टीयर्स रोल डाउन हर फेस और उसके फेस पे टीयर्स मतलब टीयर्स मीन्स आँसू अब उसकी आँखों में से आँसू बह रहे थे और उसके फेस पे पूरे आँसू हो मतलब शी वॉज क्राइम चिरपी रोने लगी डोंट वरी माई फ्रेंड टुक टुक से टुक टुक क्या बोलता है डोंट वरी तुम चिंता मत करो यू विल सुन हैव अ होम तुम्हारे पास बहुत जल्दी एक घर होगा टुक टुक कॉल्स ऑल हर फ्रेंड्स टुक टुक अपनी सारी फ्रेंड्स को बुलाती है शी कॉल्स द रैबिट जो जिराफ थी वो अपनी टुक टुक अपनी फ्रेंड को बुलाती है फ्रेंड उसके फ्रेंड कौन कौन होता है रैबिट डियर This is rabbit, this is deer, hiran and the pigeon. और pigeon को भी बुलाते हैं। They all collect twigs and leaves and feathers. सब मिलके सारे twigs को collect करते हैं, leaves को भी collect करते हैं और feathers को भी कलेक्ट करते हैं। ये सारे इकट्ठा कर देते हैं। It is evening now. अब शाम हो गई थी। There are पाइल्स ऑफ लीव्स वहाँ पर बहुत सारी लीव्स कलेक्ट हो गई फैदर्स एंड द ट्विक्स बहुत सारी लीव्स फेदर्स एंड ट्विक्स इन लोगों ने सबने मिल के कलेक्ट कर ली जमा कर ली कलेक्ट करना मतलब चिरपी पोथ्स देम टुगेदर फिर चिरपी क्या करती हैं सबको एक साथ में रखती हैं शी नाव हैज अवली नेस्ट अब उसके पास एक प्यारा सा नेस्ट तैयार हो जाता है इट इज़ बिग एंड कम्फर्टेबल अब की बार जो नेस्ट बना था वो पहले से भी बड़ा और बहुत ही कम्फर्टेबल आरामदायक था थैंक यू वेरी मच चिरपी सीज टू टुक टुक एंड हर फ्रेंड्स चिरपी खुश हो जाती है और वो टुक टुक और उसके फ्रेंड्स को क्या बोलती है थैंक यू वेरी मच सबको थैंक यू करती है धन्यवाद करती है चिरपी इन्वाइट्स दैम टू देम्स फॉर अ पार्टी नेक्स्ट इवनिंग और चिर पे फिर उनको नेक्स्ट इवनिंग में नेक्स्ट डे शाम को पार्टी के लिए इनवाइट करती है ये देखो ये लोग सब पार्टी कर रहे हैं शी इज़ वेरी हैप्पी नाउ अब वो बहुत खुश होती है अदर एनिमल्स ऑल्सो ज्वाइन पार्टी दे ऑल हैव फन टुगेदर और दूसरे एनिमल्स भी आते हैं इसमें पार्टी में देखो ये मंकी बियर ये सब एक्स्ट्रा आए हैं ये लोग सब मिलके फ़न करते हैं दे ऑल हैव फन टुगेदर ओके चिल्ड्रेन सो नाओ वी विल डू इट्स एक्सरसाइज हु सेट द फॉलोइंग लाइन्स ये लाइन्स किसने बोली आई हैव नो होम नाउ ऐसा कौन बोलता है तो चिर्पी सेट दिस सो यू हैव टू राइट योर चिर्पी डोंट वरी माई फ्रेंड वी विल डू समथिंग ऐसा कौन बोलता है टुक टुक द जिराफ टुक टुक उसका फ्रेंड होता है चिरपी का तो टुक टुक ऐसा बोलता है नेक्स्ट पुट द वर्ड्स इन द राइट ऑर्डर इनको राइट ऑर्डर में पुट करके एक करेक्ट सेंटेंस बनाना है तो द विंड इज ब्लोइंग फास्ट टुक टुक ड्राइज हर फेदर्स चिरपी हैज अ लवली नेस्ट. देन दिस इज ऑपोजिट स्लो का फास्ट सैड हैप्पी. ड्राई वेट स्मॉल बिग अप डाउन देन फिलिंग द ब्लैंक्स प्रिपोजिशन पुट करने हैं यहाँ पे हेल्प बॉक्स में से लेने हैं और यहाँ पुट करने हैं चिरपी इज डैश हर नेस्ट चिरपी नेस्ट के अंदर थी सो इन हर नेस्ट इज डैश अ मैंगो ट्री तो हर नेस्ट इज ऑन द मैंगो ट्री, ऑन अ मैंगो ट्री हर नेस्ट फॉल डाउन फ्रॉम द ट्री ट्री से गिरा तो फ्रॉम लुक एट द टिक्स एंड फैदर्स नाउ क्वेश्चन आंसर्स हु इज़ चिर्पी चिरपी कौन था तो so चिर्पी इज़ अ स्पैरो चिरपी एक स्पैरो थी हु इज़ चिरपीज़ फ्रेंड चिरपी के फ्रेंड कौन थे हु इज चिरपीज फ्रेंड तो टुक टुक द जीराफ इज चिरपीज फ्रेंड होम डज टुक टुक कॉल फॉर हेल्प टुक टुक किस को हेल्प के लिए बुलाता है टुक टुक कॉल्स द रेबिट एंड द डियर एंड द पिजन फॉर दी हेल्प यहाँ पे एंड मत लिखना टुक टुक कॉल्स द रेबिट कॉमा द डियर एंड द पीजन फॉर द हेल्प What things do all the animals collect for making a nest? All the animals collect twigs, feathers, and leaves for making a nest. Okay, children, I hope you understand this story. Now you have to read this story again, write the new words in your notebook, and complete this exercise also. Bye, take care.